नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT प्राइमरी बोर्ड की तीसरी कक्षा के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 4 हमारा पहला स्कूल पाठ में उत्तर प्रदेश के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय में कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ का सारांश है कि हमारा पहला स्कूल, परिवार के महत्व, परिवार के सदस्यों के साथ आपस के संबंधों की समझ और परिवार से मिलने वाली सीख पर आधारित पाठ है। नवाचार की नवीनता, इस नवाचार की उपयोगिता एवं नवीनता यह है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक तथा नाम बोलने पर, पाठ से जुड़े परिवार में विभिन्न संबंधों पर समझ विकसित करते हैं और कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। आइए इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ की अवधारणा को पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से परिवार में विभिन्न संबंधों की जानकारी को दोहराते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। थीम आधारित उपस्थिति के निर्देश, शिक्षक द्वारा उपस्थिति के लिए परिवार में विभिन्न संबंधों के थीम निर्धारित किए जाते हैं। उन्हें विनम्रतापूर्वक निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। सभी विद्यार्थियों को गतिविधि के दौरान अनुशासन के पालन का भी निर्देश दिया जाता है और विद्यार्थियों की उपस्थिति क्रमानुसार ली जाती है। कक्षा में उपस्थिति के दौरान सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा अपने अनुक्रमांक या नाम सुनने पर परिवार में विभिन्न संबंधों को बोलने के लिए कहा जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक किसी एक विद्यार्थी का अनुक्रमांक बोलते हैं। अनुक्रमांक 1, विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होता है, बोलता है पिताजी। अनुक्रमांक 2, दूसरा विद्यार्थी खड़ा होता है, बोलता है माताजी। शिक्षक किसी तरह एक एक करके अंतिम अनुक्रमांक तक बोलते हैं और सभी विद्यार्थी परिवार के विभिन्न संबंधों के नाम बोलकर उपस्थिति दर्ज कराते हुए पाठ का दोहराव करते हैं। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों को पढ़े हुए पाठ का आसानी से दोहराव स्मरण हो जाता है। विषय वस्तु से जुड़े परिवार के सदस्यों के साथ अपने तथा उनके आपस में संबंधों के साथ नए शब्दों का ज्ञान भी होता है। शब्दों का सही उच्चारण सीखते हैं और वाक्य बोलना सीखते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में भी वृद्धि होती है। कक्षा में छात्रों को स्वयं सीखने का माहौल बनता है। इससे कॉन्सेप्ट समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए उपयोगी और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक पानी रे पानी पाठ को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZII के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZII के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।